अपने स्टाइल, अपने जानलेवा स्माइल से लाखों करोड़ों लोगों को दीवाना करने वाले एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला, जिनकी 2 सितंबर 2021 को हार्ट अटैक के कारण मौत हो गई। तो आइए हम आपको बताते हैं सिद्धार्थ शुक्ला से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें। लेकिन उससे पहले, अगर आप ये हमारी वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, और अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सिद्धार्थ शुक्ला इंडस्ट्री के जाने माने अभिनेता थे, जिनका जन्म 12 दिसंबर 1980 में दिल्ली में हुआ। उनके पिता का नाम अशोक शुक्ला था, जो कि एक सिविल इंजीनियर थे। उनकी मां का नाम रीता शुक्ला है, जो कि एक हाउसवाइफ है। साथ ही सिद्धार्थ हैज़ 2 elder sisters। सिद्धार्थ ने अपनी स्कूलिंग सेंट जेवियर हाई स्कूल फोर्ट से की। सिद्धार्थ को शुरू से आर्किटेक्ट बनना था, लेकिन उनका इसमें करियर कभी शुरू ही नहीं हुआ। स्कूलिंग के बाद अपना ग्रेजुएशन रचना सनसेट स्कूल ऑफ इंटीरियर डिज़ाइन से कंप्लीट किया। ममाज बॉय रह चुके सिद्धार्थ शुरू से ही काफ़ी हैंडसम थे। एक इंटरव्यू के दौरान उनकी मां ने कहा था कि जहां वो रहते थे, वो सोसाइटी में सब बच्चों में सिद्धार्थ ही सबसे ज़्यादा हैंडसम लगते थे। भले ही स्टार्टिंग में वो काफ़ी दुबले थे, लेकिन सिद्धार्थ ने खुद पर काम किया और अपनी फिजिकल फिटनेस बनाई, जो कि हीरो से कम नहीं थी। फिर एक दिन उनके चेंज्ड पर्सनालिटी को देखते हुए उनकी बहन और मां ने उन्हें मॉडलिंग में जाने को कहा। फिर क्या ही था, उनकी मां ने उन्हें एक फैशन कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कराया, लेकिन अफसोस वो इस शो को जीत नहीं पाए। लेकिन उनकी किस्मत उन्हें सुपरस्टार ही बनाना चाहती थी। हार के बावजूद भी उन्हें पैंटलूम के एड कैंपेन का हिस्सा बनने का मौका मिला, जिसके बाद ही सिद्धार्थ ने मॉडलिंग शुरू की और 2005 में नेशनल मैन हंट कॉन्टेस्ट के फर्स्ट रनर अप बने, जिससे उन्हें काफ़ी मोटिवेशन दी। लेकिन जीतने के कुछ समय बाद ही सिद्धार्थ शुक्ला के पापा का लंग डिसऑर्डर होने के कारण निधन हो गया। अपने पापा के अचानक मौत के बाद सिद्धार्थ अपनी मां के ज़्यादा करीब आ गए और अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा वक्त गुजारने लगे। और जैसे उनका स्टार्ट हुआ करियर ख़त्म होते नज़र आ रहा था, लेकिन वो कहते हैं ना, जिसकी किस्मत में जो लिखा होता है वो उसको मिलता ज़रूर है। जैसे जैसे वक्त बीता, घाव भरते गए और फिर एक बार सिद्धार्थ ने कमबैक किया अपने मॉडलिंग से और वर्ल्ड कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया, जहां वो एशिया के बेस्ट मॉडल चुने गए। इससे उनके करियर को बहुत फ़ायदा हुआ। अब उनकी एंट्री छोटे पर्दे पे होने वाली थी। उन्हें पहला शो 2008 में मिला, जो कि था बाबुल आंगन छूटे ना, जिससे उन्हें ज़्यादा फेम नहीं मिला, लेकिन काम ज़रूर मिलने लगे। फिर उन्हें जाने पहचाने अजनबी सीरियल में देखा गया, जहां उनके किरदार को लोगों ने खूब पसंद किया। लेकिन वो कहते हैं ना, हर किसी के लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट ज़रूर आता है, जो सिद्धार्थ के लाइफ में भी आया। साल 2013 में जब उन्हें बालिका वधू शो ऑफर किया गया, जहां सिद्धार्थ एज अ लीड रोल प्ले करते देखे गए, यहां से मानो उनकी लाइफ ही चेंज हो गई। इसके बाद सिद्धार्थ को फेमस डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा सीजन 6 में देखा गया, जहां जज करण जौहर थे, जो कि सिद्धार्थ की पर्सनालिटी से खूब इम्प्रेस हुए और उन्होंने सिद्धार्थ को उनकी फिल्म हम्टी शर्मा की दुल्हनिया में वरुण धवन और आलिया भट्ट के साथ काम करने का मौका दिया, जिसके लिए सिद्धार्थ को 2015 में बेस्ट सपोर्टिंग रोल के लिए अवार्ड भी मिला था। फिर सिद्धार्थ को कई शोज होस्ट करते भी देखा गया, जैसे कि इंडियाज गॉट टैलेंट और सावधान इंडिया। सिद्धार्थ एक के बाद एक सक्सेस की सीढ़ी चढ़ते जा रहे थे। फिर सिद्धार्थ ने खतरों के खिलाड़ी में पार्टिसिपेट किया और उस सीजन के विनर भी रहे। इतने सालों में सिद्धार्थ ने हर चीज़ में खुद को प्रूव कर दिया था और सबके एक्सपेक्टेशंस पे खरे भी उतरे थे। साल 2017 में सिद्धार्थ शुक्ला की टीवी सीरियल में फिर वापसी हुई। ये सीरियल था दिल से दिल तक। इसमें लीड एक्ट्रेस थी रश्मि देसाई। इस सीरियल को ऑडियंस ने खूब प्यार दिया था, लेकिन कुछ समय के बाद टीआरपी डाउन होने के कारण शो को बंद कर दिया गया, जिसके बाद सिद्धार्थ को कलर्स के मोस्ट कंट्रोवर्शियल शो बिग बॉस 13 में देखा गया, जहां उनको नया नाम दिया गया था द एंग्री मैन। इस शो में सिद्धार्थ की फैन फॉलोइंग इतनी बढ़ गई थी कि वो बिग बॉस 13 में एंड तक बने रहे और शो के विनर तक बन गए थे। और अगर अब उनके अवार्ड्स के बारे में बात करें तो उन्हें कई अवार्ड से सम्मानित किया गया, जैसे कि 2012 में गोल्डन पेटल अवार्ड्स बेस्ट ऑन स्क्रीन कपल ऑन कलर्स, 2013 में ITA अवार्ड परफॉर्मर ऑफ द ईयर, 2014 में जी गोल्ड अवार्ड्स, स्टारडस्ट अवार्ड्स, ब्रेक थ्रू सपोर्टिंग परफॉर्मेंस फॉर हम्टी शर्मा की दुल्हनिया, और फिर 2017 में HT मोस्ट स्टाइलिश एक्टर।
इन सब अवार्ड से ये ज़रूर मालूम पड़ रहा था कि सिद्धार्थ की इतने सालों की मेहनत रंग लाते दिख रही थी। तो चलिए अब सिद्धार्थ शुक्ला के कॉन्ट्रोवर्सीज के बारे में बात करते हैं। 2014 में सिद्धार्थ को ड्रिंक एंड ड्राइव करते हुए पकड़ा गया, जिसके लिए सिद्धार्थ को पुलिस को जुर्माना तक भरना पड़ गया था, जिसके बाद उनका लाइसेंस भी कैंसिल करवा दिया गया। इसके बाद 2017 में दिल से दिल तक के सेट पर सिद्धार्थ की मनमानी, गाली गलौज और लेट लतीफ़ के कारण मेकर्स ने उन्हें शो से तक निकाल दिया था, जिसके कारण वो हमेशा सुर्खियों में बने रहते थे। ऐसा कहा जाता है कि दिल से दिल तक के कई स्टार कास्ट के साथ उनकी लड़ाई तक हो गई थी। उसके बाद विवाद यहीं ख़त्म नहीं हुए। जुलाई 2018 में ओशिवारा में सिद्धार्थ की कार रोड डिवाइडर से टकरा गई थी। ऐसा कहा जाता है कि इस एक्सीडेंट में एक इंसान की मौत तक हो गई थी, जिसके लिए सिद्धार्थ को पुलिस ने अरेस्ट भी कर लिया था। आगे बढ़ते हुए चलिए अब उनके लव अफेयर्स के बारे में बात करते हैं। सिद्धार्थ हैंडसम तो थे ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। सिद्धार्थ का इंडस्ट्री में कई एक्ट्रेसेस के साथ नाम जुड़ा है, जैसे कि उनकी को स्टार रह चुकी रश्मि देसाई, दृष्टि धामी, काटा लगा गर्ल, शेफाली जरीवाला और साथ ही कृष्णा अभिषेक की बहन आरती सिंह के साथ भी उनका नाम जुड़ चुका है। लेकिन इनमें से सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी सिद्धार्थ और शहनाज की जोड़ी को दी गई, जो कि बिग बॉस 13 के घर में बनी। उनके फैंस ने उनके लिए हैशटैग तक बना दिया था, जो कि सिडनास था। साथ ही आपको बता दें, सिडनास के फैंस की इच्छा थी कि दोनों शादी कर लें, लेकिन अब ये इच्छा शायद अधूरी ही रह जाएगी। सिद्धार्थ शुक्ला को अंतिम विदाई देने के लिए इंडस्ट्री के कई सितारे उनके घर पहुंचे। राजकुमार राव, आरती सिंह, शेफाली जरीवाला और कई सेलिब्रिटीज़ ने वीडियो शेयर करते हुए अपना दुख जाहिर किया, जैसे कि केसरी लाल, मनोज तिवारी, सब्यसाची, राजू श्रीवास्तव। साथ ही आपको बता दें, सिद्धार्थ के बिग बॉस हाउस के सबसे अच्छे दोस्त, जिनकी दोस्ती की मिसाल देते हैं, आसिम रियाज और हिंदुस्तानी भाव कूपर हॉस्पिटल में उनके अंतिम विदाई के लिए पहुँचे। आज का दिन सिद्धार्थ के फैंस के लिए एक नाइटमेयर की तरह आया है। सिद्धार्थ हम सबके दिल में हमेशा जिंदा रहेंगे। मे हिज सोल रेस्ट इन पीस।